Now, let us start with chapter 5, children, good habits. तो good habits क्या होती हैं? Good habits वो होती हैं जो अगर हम अपनाते हैं तो हम एक अच्छे बच्चे बन जाते हैं, सब हमें praise out करते हैं. तो देखते हैं, if you practice good habits, everyone likes you. हम सब हमें पसंद करते हैं. And you become a smart kid. और हम एक smart kid बन जाते हैं. तो यहाँ पर हमें गुड हैबिट्स को टिक आउट करना है और क्रॉस करना है बैड वंस को. सो लेट्स स्टार्ट. बाइटिंग आवर फिंगर नेल्स. तो जो बच्चे अपने फिंगर नेल्स बाइट करते हैं, क्या वो अच्छी आदत है? नहीं, इट इज अ बैड हैबिट. सो हम इसमें क्रॉस डालेंगे. नाउ, हैविंग अ बाथ एवरी डे. इट इज वेरी एसेंशियल टू टेक अ बाथ एवरी डे. अगर हम बात लेते हैं एवरी डे तो वी आर एबल टू रिमूव द जर्म्स फ्रॉम आवर बॉडी. तो इसीलिए येस, इट इज अ गुड हैबिट. ईटिंग फ्राइड फूड फ्रॉम आउटसाइड एवरी डे. नहीं, अगर हम रोज फ्राइड फूड खाएंगे तो हम ओबीस हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो सकती हैं. इसीलिए वी शुड अवॉइड ईटिंग फ्राइड फूड एवरी डे. सो इट इज अ बैड हैबिट. Drinking lots of water. Yes, drinking lots of water means to keep your body hydrated. So it is a very good habit. Going to bed late at night. अगर हम देर से सोएंगे तो हम देर से उठेंगे. देर से उठेंगे तो स्कूल कैसे जा पाएंगे? So it is again a bad habit. Having cold drinks every day. अगर आप रोज कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आपका शुगर लेवल इंक्रीज कर जाएगा. सो अगेन, इट इज अ बैड हैबिट. वियरिंग अ मास्क व्हेन वी गो आउट. यस, इट इज अ वेरी गुड हैबिट. ताकि हमें बाहर के जर्म्स जो हैं, जो हम उनको एयर के साथ ब्रीद इन ना कर लें, इसलिए इट इज वेरी एसेंशियल टू वेयर अ मास्क. तो इट इज अ गुड हैबिट. वॉशिंग आवर हैंड्स रेगुलरली. अगेन, अपने हाथ अगर हम बार बार धोएंगे तो हम क्या करेंगे? हम जर्म्स को रिमूव कर देंगे एंड वी विल बी एबल टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. इसीलिए इट इज अगेन अ गुड हैबिट. डिड यू नो चिल्ड्रन, गुड हैबिट्स बेनिफिट आवर फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ. तो अगर हम गुड हैबिट्स को अपनाते हैं तो हम फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली हेल्दी रह सकते हैं.